हेलो गाइस वेलकम बैक टू लिटरेचर इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रेंज मीटिंग के ऊपर और जो लिखी है विलफ्रेड ओवन ने हम लोग विलफ्रेड ओवन की ऑलरेडी दो पोएम्स डिस्कस कर चुके हैं नंबर वन फ्यूटिलिटी और नंबर टू एंथम फॉर डूम्ड यूथ और दोनों पर मैंने चार चार यहाँ मेरे ख्याल से पाँच लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं एक ही पोएम के ऊपर ताकि वो आपको क्लियर हो सके टाइटल अलग बताया ओवरव्यू अलग बताया थीम्स अलग डिस्कस की हमने लिटरे डिवाइसेज सिम्बल्स और लाइन टू तो लाइन समरी क्रिटिकल एनालिसिस हर चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है और इसी तरह हम लोग स्ट्रेंज मीटिंग को डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंज मीटिंग की टाइटल सिग्निफिकेंस के ऊपर मैंने लेक्चर बना दिया है और वो मैंने अपलोड कर दिया है तो वो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले टाइटल सिग्निफिकेंस चेक करेंगे कि टाइटल के अंदर हम लोगों को बताया क्या जा रहा है नेक्स्ट अब हम लोगों ने आज के लेक्चर में ओवरव्यू लेना था पोइम का कि ओवरऑल बात क्या हो रही है पोइम के अंदर ताकि हम लोगों को क्लियर हो जब हम लोग लाइन टू लाइन समरी करें जब क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमें एक्जैक्टली पता हो कि क्या हो रहा है क्या बताया गया है पोइम के अंदर एंड ऑल दैट ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक ओवरव्यू ले, ले लेते हैं और उसके अलावा स्ट्रेंज मीटिंग जो हम लोगों ने लेटेस्ट लेक्चर के अंदर टाइटल सिग्निफिकेंस पे बात की कि दो बंदों की मीटिंग है स्ट्रेंज मीटिंग इसलिए है कि स्ट्रेंज इस हिसाब से कि ऐसी चीज़ जो हम लोगों की अकल तस्लीम ही ना करे या हम लोग कहें कि जी ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता है ऐसे कैसे हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि जब दो दोस्त मिलते हैं तब तो ठीक है वो मीटिंग हो रही है अच्छी मीटिंग है लेकिन स्ट्रेंज ऐसे ये दो दुश्मन मिल रहे हैं और हम लोगों को दो दुश्मन ऐसे मिल रहे हैं हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये दुश्मन हैं कि दोस्त हैं इन दोनों की बातें ही ऐसी हो रही होंगी ये सेम थॉट्स शेयर कर रहे होंगे सेम ड्रीम्स शेयर कर रहे होंगे और सेम इनकी डिज़ायर्स होंगी और होपफुल भी होंगे और होपलेसनेस भी दिखेगी ये हम लोग ओवरव्यू के अंदर देखते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग देखें कि स्ट्रेंज मीटिंग किस परस्पेक्टिव से लिखी गई है तो सबसे पहले ये हम लोगों को पी ऑफ वॉर बता रही है ठीक है इस पूरी पोइम के अंदर हम लोगों को वॉर के बारे में मिलेगा हमें पता है विल्फ़र्ड ओवन एक सोल्जर थे उन्होंने वॉर के बारे में ज़्यादा लिखा और ये पोइम भी उन्होंने नाइनटीन में लिखी थी लेकिन ये पब्लिश हुई थी आफ्टर डेथ ऑफ विल्फ़र्ड ओवन मतलब विलफर्ड ओवन की डेथ के बाद ये पोइम हम लोगों की पब्लिश हुई थी उसके अलावा हम लोगों को क्या दिखता है कि या तो ये एक इमेजिनेटिव रिक्रिएशन है कि एक बंदा जब मर जाता है तो वो उसके बाद क्या उसके साथ हो रहा है इस्पेशली अगर वो सोल्जर है तो उसके साथ क्या क्या होगा मरने के बाद या हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है कि एक बंदा बैठा हुआ है और इमेजिन कर रहा है लिविंग मैन है वो और वो कह रहा है कि अच्छा जी जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे साथ क्या क्या होगा मतलब ये दो पर्सपेक्टिव जो हैं हम ले सकते हैं इस पोइम के नेक्स्ट अब हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly इसके अंदर क्या बात हो रही है स्ट्रेंड मीटिंग एक पोइम है जो एक इमेजिनेटिव पर्सपेक्टिव से लिखी गई है इसकी सेटिंग अगर हम लोग देखें तो वो होगी हेल स्ट्रेंज मीटिंग इसीलिए है कि इसकी एक हिडन एरिया है एक सीक्रेट एरिया है अंडरग्राउंड कह सकते हैं हम लोग स्टार्ट में पोम के हम लोगों को पता चलेगा एक टनल सी हम लोगों को दिखाएंगे कि एक डार्क सी टनल है उसके अंदर बंदा जा रहा है और एंड पर जब वो पहुँचता है तो वो फिर अंदाज़ा लगाता है कि ये जगह हेल है ठीक है तो स्ट्रेंज मीटिंग इस हिसाब से भी हम लोग ले सकते हैं तो so, सेटिंग हम लोगों की पोइम की क्या है कहाँ पर है हेल के अंदर कि मरने के बाद दो सोल्जर्स हैं आपस में मिले हैं जो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट टीम में थे और वो दोनों कहाँ मिले हेल के अंदर जब वो ज़िंदा थे तब वो वॉर में थे आसपास का माहौल वैसे ही हर जगह वायलेंस और डिस्ट्रक्शन चल रही थी अब मरने के बाद हेल में जो आपको पता है कैसी जगह है अब पूरी पोइम में हम लोगों को इन दो सोल्जर्स की बातें मिलेंगी वो बातें जो मरने के बाद इनको एहसास हुआ कि ये काम नहीं करना चाहिए था बेसिकली स्पीकर ऑफ द पोइम जो है वो मर गया और उसी के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि वो हेल में है और वो अपनी मौत से बिल्कुल भी खुश नहीं है वो कहाँ आ गया है? मरने के बाद वो ये सोच रहा है फिर वो एक और बंदे से मिलता है फिर उन दोनों के बीच में बातें होती हैं अबाउट वॉर कि वॉर ने क्या क्या नुकसान कर दिए हैं हर जगह वायलेंस और ख़ुद लोगों ने चूज़ किया वायलेंस को और ये डिस्ट्रक्टिव माहौल क्रिएट किया फिर वो कहते हैं कि लोग जो है वो इस हद तक इस वायलेंस के अंदर इंगेज हैं कि वो निकलना ही नहीं जाते इससे बाहर वो दो सोल्जर्स जो हैं वो सेम थॉट्स सेम ड्रीम्स और हर चीज़ सेम सेम उनकी होती है अपने यहाँ तक कि उनको होप भी होती है वो हर चीज़ वो शेयर कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और बताना चाहते हैं अपने रीडर को कि वायलेंस डिस्ट्रक्शन और वॉर ये सब चीज़ें सिर्फ लॉस लाती हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को पोइट पथेटिक दिखता है हमारा पोइट पैसेमिस्ट है क्योंकि वो खुद भी वॉर के अंदर था और वो सब कुछ देख रहा था एक्सपीरियंस कर रहा था यानी कि पैसमिज़म इज़ ऑन इट्स पीक दैन फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर दिखी यूज़लेसनेस ऑफ वॉर दिखी और फिर वो हम लोगों को क्या बताते हैं कि एक वॉर ना सिर्फ किसी शख्स को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाती है बल्कि मेंटली तौर पे भी बंदा शिकार हो जाता है ट्रॉमा का जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उस शख़्स को जो वॉर के अंदर होता है क्या वॉर एक्सपीरियंस कर रहा होता है फॉर एग्जांपल वो वॉर से जीत कर वापस आ गया वो बंदा या जो बंदे घर पर मौजूद होते हैं और उनके घर का कोई बंदा फैमिली मेम्बर वॉर के अंदर होता है वो बंदा उस शख़्स को जहनी दबाव और सदमों का शिकार कर देती है ये वॉर उसके अलावा इस पॉइंट में हम लोगों को वॉर के फ़वाद की बजाय वॉर के नुकसान बताए गए हैं फिर इंसानों के अलावा हर चीज़ वार की लपेट में आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पर जैसे मैंने ऐड किया है कि वॉर डिस्ट्रॉय द लैंडस्केप इन विच इट्स फाउट यानी कि मैदान जंग जो बंजर और बेजान हो जाती है वॉर के बाद इंसानों के दिलों से इंसानियत का ख़ात्मा हो जाता है वॉर के बाद उसके अलावा सबसे बिटर लाइन हम लोगों को क्या मिलती है इसके अंदर कि दोस्ती जो होती है दो दोस्त हैं वॉर की वजह से आपस में दुश्मन बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है वो दूसरी टीम में चला जाता है दूसरी दूसरा जो दोस्त है वो दूसरी टीम में चला जाता है वो दोनों टीम आपस में लड़ रही होती हैं अब वो दोस्त जो दूसरा दोस्त है उसके साथ जब उसको लड़ना पड़ेगा तो उनमें से एक तो मरेगा ठीक है तो दोस्ती को दुश्मनी में चेंज कर देती है ये वार और सेम चीज़ हम लोगों को पोइम के अंदर दिखेगी क्योंकि हम लोगों को पोइम के अंदर दो बंदे दिखेंगे दोनों सोल्जर्स हैं ठीक है एक स्पीकर ऑफ द पोइम है और दूसरा एनिमी है ठीक है और दोनों हम लोगों को दिखेंगे कि सेम थॉट्स सेम ड्रीम्स और सेम चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिससे हम लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि अगर डिफरेंट सरकमस्टांसिस के अंदर ये लोग होते तो ये दोनों एनिमी के बजाय अच्छे दोस्त होते उसके अलावा वॉर के लोगों पर असरात और तबाही के मतलब इस पोइम में बताया गया है मज़ीद जंग इनविटेबल है ये बताया गया है उसके अलावा ये बताया गया है कि जब तक इंसान इस दुनिया में आबाद हैं तब तक ये वॉर का सिलसिला चलता रहेगा उसके अलावा वो कहते हैं कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि इंसानों ने ख़ुद वायलेंस को चूज़ किया है इंसानों ने ख़ुद कन्फ्लिक्ट पैदा किए हैं फिर स्पीकर ऑफ द पोईम हम लोगों को बताता है कि अगर मैं ज़िंदा होता तो मैं ये पैगाम लाजमी देता इंसानों को कि नॉट टू टूमेंटिसाइज़ वॉर वॉर से इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है ये कोई हीरोइक डीड नहीं है हम भी सोल्जर थे हम भी वॉर के लिए गए थे और आज यहाँ हम लोग में पड़े हुए और पोइम के एंड पर पता चलता है कि जिस सोल्जर से हमारा स्पीकर बात कर रहा होता है उसको ही स्पीकर ने मारा होता है ख़ुद क्योंकि एंड पे वो कहता है कि आई एम द एनिमी सोल्जर यू किल्ड माई फ्रेंड उसके अलावा हम लोगों को स्पीकर ऑफ द पोइम और एनिमी सोल्जर की ये विश दिखती है कि वो लोगों को ट्रूथ ऑफ वॉर बता सकें ताकि लोगों को वॉर की असलियत का पता चले और लोग फिर वायलेंस से दूर रहें लेकिन फिर वो कहता है कि अब तो हम मर चुके हैं हमारी ये होप और हमारी ये विश पूरी नहीं हो सकती इसका कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है अब वो कहते हैं अब हम लोग वॉर की असलियत का लोगों को नहीं बता सकते लिहाजा अब ये सिलसिला जो है ऐसे ही जारी रहेगा वॉर होती रहेगी और इंसानियत का ख़ात्मा भी होता रहेगा चाहे वो वॉर में हो रहा है चाहे वो ट्रॉमा ऑफ वॉर से गुजर रहे हैं मेंटली है फिज़िकली है इंसानियत का ख़ात्मा होता रहेगा थ्रू आउट द पोम हम लोगों को क्या दिखता है कि इन दो सोल्जर के थ्रू वॉर के नुकसान बताए जा रहे हैं और एंड ऑफ द पोएम हम लोगों को एनिमी सोल्जर जो है स्पीकर को माफ़ करता हुआ दिखता है वो कहता है कि तुमने मुझे मार दिया ड्यूरिंग वॉर लेकिन वी कैन बोथ रेस्ट नाउ इस तरफ इशारा है कि अब मरने के बाद कुछ सुकून हासिल कर सकते हैं हम लोग इसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं पूरी स्पीच है सोल्जर की हमें पैराडोक्सिकल सिचुएशन भी दिखेगी आयरनी भी दिखेगी पेसिमिज़म भी दिखेगा उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव मिलेंगे कि जिसमें वॉर के नुकसान वॉर की रियलिटी फिर एक अनटोल्ड ट्रुथ इस सब के बारे में बताया जाएगा तो बेसिकली ओवरव्यू के अंदर हम लोगों को ये चीज़ें दिखेंगी जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे भी मेंशन की हैं तो बाकी हम लोग देखेंगे लाइन टू तो लाइन समरी डिस्कस करते हुए चीज़ें और साथ साथ हम लोग उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे और चेक करेंगे कि आखिर इसके अंदर बात क्या हो रही है तो ये हम लोगों का ओवरव्यू था आई होप आप लोगों को समझ आई होगी ओवरव्यू की कि बेसिकली स्ट्रेंज मीटिंग के अंदर बात क्या हुई है तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके अंदर हम लोग लाइन टू लाइन समरी डिस्कस करेंगे और थीम्स भी डिस्कस करेंगे साथ लिटरेरी डिवाइसेस सिंबल्स और सब कुछ ठीक है तो तब तक अपना ख्याल रखें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हाफिज़